बड़ी खबर है यहाँ पर, श्री करणपुर विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ संख्या 75 में ईवीएम में तकनीकी खराबी आई है। बूथ के बाहर पुरुष व महिलाओं की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो बूथ संख्या 75 में ईवीएम में तकनीकी खराबी आई है, जिस वजह से मतदाताओं को परेशानी हो रही है। मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, ईवीएम में तकनीकी खराबी हो गई है, जिस वजह से सभी मतदाता अभी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। महिला और पुरुष लाइन लगाकर अभी भी खड़े हुए हैं बूथों के बाहर। ये लंबी लाइन नजर आ रही है। हालांकि जो समस्या है, उस समस्या का समाधान किया जा रहा है। जो ईवीएम खराब हुई है, उसे ठीक करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो देखिए, आज श्री करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, मतदान किया जा रहा है, जहां सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल बूथ संख्या 75 में ईवीएम में तकनीकी खराबी आई है, जिस वजह से मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। संवाददाता तरसेम जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, अपडेट देने के लिए। तरसेम, अभी कितना फीसदी मतदान हुआ है और तकनीकी खराबी भी आई है ईवीएम में, क्या उसे ठीक किया जा रहा है? बिल्कुल, श्री करणपुर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बूथ संख्या 75 पर ईवीएम में अभी तकनीकी जो खराबी आई हुई है, इसको लेकर अभी काफी जो पुरुष और महिलाओं की लंबी कतारें यहाँ देखी जा सकती है। तरसेम, क्या उसे ठीक किया जा रहा है ईवीएम को? बिल्कुल, तकनीकी जो कर्मचारी है, इनके जो है वो ईवीएम मशीन को सही करने के लिए लगे हुए हैं। और कितना और वक्त लग सकता है तरसेम? ये अभी इन कर्मचारियों से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है, बट परंतु जिस प्रकार से बाहर जो है काफी जो लाइनें हैं वो लग चुकी है, और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जो जवान है वो जाता है जो भी लगा हुआ है। शुक्रिया आपका तरसेम, अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा तरसेम, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ईवीएम में तकनीकी खराबी होने के चलते फिलहाल अभी मतदान यहां पर नहीं किया जा रहा, लेकिन बूथ के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि उस तकनीकी खराबी को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं पूरी की गई है।